Hello everyone, welcome back to Learn Cover Classes. I am your educator Nishtha and I welcome you back on the another series of static GK and current affairs. So let's begin with the very first question of the day, which is in December 2023, which finance company has been रिब्रांडेड एज ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस. सो ऐसी कौन सी फाइनेंस कंपनी है जिस फाइनेंस कंपनी को रीनेम करके क्या नेम दिया गया? ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस. सो द राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा. ऑप्शंस के हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज योर मुथूट फाइनेंस. गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन. सेकेंड ऑप्शन इज योर पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस. थर्ड इज योर श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द लास्ट ऑप्शन इज योर LIC हाउसिंग फाइनेंस. So the right answer for this question over is your option number B, which is your Pune wala housing finance. Moving towards the next question for the day, which is who has been appointed as the brand ambassador of Tripura state. किस person को Tripura state का brand ambassador के तौर appoint करा गया है? किसको promote करने के लिए? Tourist को promote करने के लिए. Now first of all options की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे हम एक image देख रही है. इस image को देख के आप right answer कर सकते हैं. I'm just reading out the options for you people. जो correct answer होगा वो correct answer आप लोगों को मुझे बताना होगा, right? So I'm reading out the options for you people. First option is your आयुष्मान खुराना. Second is the Saurav Ganguly, then is the Pankaj Tripathi and the next is your Mahendra Singh Dhoni. So जल्दी से इस हिंट वाली इमेज को देख के बताएंगे कि जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर A, B, C or D. Till then I'm moving towards the next question. You people are supposed to answer me regarding this question. So let's move to the next question. Who has been honored with the Diwali Pa of One Award 2023. Now किस पर्सन को अवॉर्ड करा गया एज दिवाली पा ऑफ वन अवॉर्ड 2023 के लिए? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज योर एंटोनियो गुटर्स, देन इज योर बिल गेट्स, देन इज योर वॉरेन बुफे, देन द लास्ट वन इज योर बन की मून. सो विच वन इज द राइट आंसर ओवर हियर? सो जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे दैट इज योर ऑप्शन नंबर D, विच इज योर बन की मून. नाउ क्या है ये अवार्ड बन की मून को क्यों दिया हुआ है? लेट्स सी ओवर हियर. और कौन से क्वेश्चन यहाँ एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल. नाउ ये UN सेक्रेटरी जनरल थे, अभी नहीं, करंटली नहीं, पहले UN सेक्रेटरी जनरल थे. ये फॉर्मर लिखा हुआ यहाँ पे. सो क्वेश्चन आ सकता है वो इज बन की मून. बन की मून इज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ UN जनरल. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे कि ये कौन है. नेक्स्ट, अलोंग विद 3 डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट्स वाज ऑनर्ड विद एनुअल दिवाली पार ऑफ वन अवार्ड. नाउ बन की मून को तो ये मिला ही मिला है अवार्ड, इनके साथ साथ 3 ऐसे और डिप्लोमैट्स हैं जिन डिप्लोमैट्स को ये अवार्ड मिला है. दिस प्रेस्टीजियस सेरेमनी ऑफन हेल्ड एज द, इस सेरेमनी को कैसे कंसिडर करा जाता है? ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी. सेलिब्रेटेड द सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू शेपिंग अ मोर परफेक्ट, पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड. नॉट जिन पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है वो पर्सन किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं? वो पर्सन स्पेसिफिकली क्या करते हैं? परफेक्ट, पीसफुल और सिक्योर वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे करके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन रहे. फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं. इन हिज एक्सेप्टेंस स्पीच ही कमेंडेड द दिवाली फाउंडेशन USA फॉर इट्स फॉरवर्ड थिंकिंग विजन इन इल्यूमिनेटिंग वाइटल लाइट एंड अमिट द चैलेंज ऑफ अ वर्ल्ड. कि हमारे वर्ल्ड के बीच जो चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस के होने के बावजूद भी व्हाट वी आर फोकसिंग, जो फ्यूचर है उस फ्यूचर के विजन की तरफ हम फोकस करें कि जो हमारे फ्यूचर को कैसा फ्यूचर होना चाहिए, उसे कैसे शेप अप करना है. द अदर डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज फॉर ईयर 2023 इंक्लूडेड. अब ये तो हमने बन की मून की बात करी, उसके अलावा और ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए दिया गया है? सो फर्स्ट इज योर मिसाडा कोलेकोवेक, देन नेक्स्ट इज योर एम्बेसडर किम सुक एंड द लास्ट वन इज योर मिरोस्लाव लेट्सकैक. सो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट? See if you are having any doubt regarding CUET, स्लाइड के लास्ट में एक कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर. आप क्या कर सकते हैं? आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं. कॉल करके आप क्या कर सकते हैं? कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. बट अगर आप डोमेन की बात करें लैंग्वेज बेस, तो इंग्लिश एंड हिंदी आप लैंग्वेज लेंगे. लास्ट में जो सेक्शन हो दैट इज ऑफ योर जनरल टेस्ट एंड जो आपका मिड वाला सेक्शन हो दैट इज सेक्शन 2. वो आपका जो मेजर डोमेन होता है वो होता है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आपकी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स हो, उन स्ट्रीम्स के ऊपर डिपेंड होता है. उनमें से आप कितने सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन यू। और जो कॉलेज आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं वो क्या, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को फॉलो करना होता है, राइट। टिल देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मिथेन पावर्ड रॉकेट ज़ुकी-2 Y-3। नाउ कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिस कंट्री ने पहला लिक्विड ऑक्सीजन मिथेन पावर रॉकेट ज़ुकी-2 Y-3 को इनोग्रेट करा है या इसको लॉन्च करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज इंडिया, सेकंड ऑप्शन इज अवर रशिया, थर्ड ऑप्शन इज योर जापान एंड द लास्ट ऑप्शन इज योर चाइना, राइट। सो दीज टू ऑप्शंस ओवर हियर वी आर हैविंग ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। नाउ जो राइट आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज योर चाइना। Now let's see details क्या है। 9 दिसंबर 2023 को चाइना बेस्ड प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लैंडस्केप टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन सक्सेसफुली लॉन्च ज़ुकी-2 Y-3। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ने या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ने, कौन सी कंपनी ने, कौन सी प्राइवेट कंपनी ने ज़ुकी-2 Y-3 को लॉन्च करा है। सो आंसर क्या रहेगा, लैंडस्केप टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने इसको क्या करा है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मेथेन पावर लॉन्च व्हीकल कैरिंग 3 सैटेलाइट। इसमें क्या ये 3 सैटेलाइट्स को कैरी कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। कहाँ से इन्होंने इसे कैरी कर रहे हैं, जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। नाउ ये सेंटर कहाँ पे, इनर मंगोलिया रीजन में है चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना यहाँ से, एक क्वेश्चन हमारा ये बना कितनी सैटेलाइट्स को कैरी कर रहे हैं या किस ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहे हैं। सो आंसर क्या रहेगा, दैट इट इज कैरिंग 3 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, with the landscape became the world's first company to launch satellite using a rocket fueled methane and liquid oxygen. Now जो landscape company है ये ऐसी पहली world की first company है जिस company, जो company satellite को launch कर रही है क्या use करके, rocket fueled by methane, ऐसे rocket का use कर रही है जिस rocket के अंदर methane को fill करा गया है और liquid oxygen को fill करा गया है। Now the 3 satellite, now जो 3 satellites हैं, 3 satellites का नाम क्या, question आ सकता है what are the name of the satellites, ये satellites के name आ जाएंगे और आ जाएगा कि न्यूज में इन वर्ड्स का यूज हो रहा है, ये जो वर्ड है किससे रिलेटेड है, आपके आप किसी टाइफून से रिलेटेड है या किसी नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड है, सैटेलाइट से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है। सो ये नेम भी आ सकते हैं, दिस सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर। सो कौन सी 3 सैटेलाइट्स है, नंबर फर्स्ट इज योर होंगू सैटेलाइट, देन इज योर टियानिया-33 सैटेलाइट एंड द थर्ड वन इज होंगू-2 सैटेलाइट। सो होंगू के नेम से 2 सैटेलाइट है, वन इज अ होंगू सैटेलाइट, सेकंड इज अ होंगू-2 सैटेलाइट एंड जो नेक्स्ट सैटेलाइट है दैट इज अ टियानिया-33 सैटेलाइट। सो यहाँ से हमारे 2-3 वे में क्वेश्चन बन के आ सकता है। Now were launched into a predetermined orbit. The Zhuque-2 rocket was 49.5 meter in length. Now जो Zhuque rocket है इसकी length कितनी है, इसकी length 49.5 meters इसकी length है। Now diameter कितना है इसका, its diameter is 3.35 meters. Then had a lift of mass of 220 tons. Now जो 220 टन का जो मास है, जो एरिया, वो इन्होंने 220 टन के जो ऑब्जेक्ट है उसको इसने कैरी करा एक्सक्लूडिंग द पेलोड्स। नाउ यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे व्हिच इज योर ओके सी। ये डिटेल्स रहेगी यहाँ पे चाइना के बारे में, कुछ डिटेल्स कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। ये जो डिटेल्स है ये आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चंस में आ सकती है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट थिंग, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। इसे आप शी जिनपिंग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या जी जिनपिंग भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी कैपिटल क्या है, इट्स कैपिटल इज बीजिंग। देन करेंसी क्या है इसकी, इट्स करेंसी इज रेनमिनबी, चाइनीज युआन। या तो इसे हम चाइनीज युआन कह सकते हैं या फिर हम इसको रेनमिनबी कह सकते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में रेनमिनबी का ऑप्शन मिलता है आपको, राइट। तो यहाँ से हमने काफी सारे क्वेश्चन को करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एक्सट्रैक्ट हम यहाँ से कर चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे व्हिच इज योर ओके। चाइनीज डॉक्टर गाओ याजोई passed away recently at the age of 95. She was known for. Now जो Chinese doctor थी गाओ याओजाई, ये 95 की एज उनकी डेथ हुई है। ये किस चीज से रिलेटेड थी, एक्सपोज द ब्रेस्ट कैंसर, इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को एक्सपोज करा था। देन एड्स की एपिडेमिक को एक्सपोज करा था इन्होंने। देन कोविड के पैंडेमिक को इन्होंने एक्सपोज किया था या फिर जो डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर को इन्होंने एक्सपोज किया था। सो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी विच इज योर expose the AIDS epidemic. Now question manipulated way में आ सकता है that expose epidemic, who expose the epidemic of AIDS. So options आ जाएंगे, आपको जो correct answer रहेगा वो आएगा आपका गाओ याओजी. ठीक है, सो यहाँ से हमने क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करा है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे व्हिच इज फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली वॉज कमीशन एट विच नेवल डॉकयार्ड. सो ये पूछ रहे हैं जो इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम तरमुगली है, ये कहाँ पे कौन से नेवल डॉकयार्ड पे से कमीशन करा गया है. सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज योर विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, सेकेंड ऑप्शन इज योर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, देन इज योर हिंदुस्तान शिपयार्ड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. नाउ इन्होंने डॉकयार्ड के बारे में पूछा है तो यहाँ पे हमें डॉकयार्ड का आंसर देना है. क्लियर. सो जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए विच इज योर विशाखापट्टनम डॉकयार्ड. राइट. नाउ डिटेल्स क्या है, लेट्स सी टूवर्ड्स इट. इट इज़ द फर्स्ट फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट. ये सबसे पहला वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WJFAC कहते हैं. इज एन इम्प्रूव वर्जन. ये क्या है, एक इम्प्रूव वर्जन है. किसका इम्प्रूव वर्जन है ये, WJFAC का ये इम्प्रूव वर्जन है. अर्लियर कंस्ट्रक्टेड बाय GRSC, जिसे GRSC ने कंस्ट्रक्ट किया था. GRSC की फुल फॉर्म क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे क्या करा था, इसे बिल्ड करा था. इट इज कंसीव्ड डिजाइन एंड बिल्ड इंडिजीनियसली. नाउ इसको जो डिजाइन है वो इंडिजीनियसली ही बनाया गया है. नाउ किस वे में इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके पूछा जा सकता है, दैट फर्स्ट WJFCA इज मेड बाय व्हिच कंपनी. तो कंपनी का नाम आ जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. कल के जो हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन में भी इस कंपनी से रिलेटेड आया था. ठीक है. सो जो कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के MCQ क्वेश्चंस के लिए, जो करंट अफेयर्स जो आपके लिए एग्जाम में आएंगे. नाउ नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं, क्या डिटेल्स है हमारे पास. इट वुड बी डिप्लॉयड फॉर कोस्टल पेट्रोल. जो कोस्टल रीजन का जो पेट्रोल है उसके लिए से डिप्लॉय करा जाएगा. पेट्रोल का मतलब क्या है कि चेकआउट करना, कुछ प्रॉब्लम कर रहा तो जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं, एक एरिया से दूसरे तक मूव करते हैं, सिमिलर वे में इसका काम रहेगा, पेट्रोलिंग का काम रहेगा. सर्वेलेंस ऑपरेशन अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है उसके पास ये सर्वेलेंस करेगा. सो ये नीचे इंडिया का सदर्न पोर्शन हो गया. इस साइड में जो रीजन है, ये रीजन किसका है आपका, ये आपका ईस्ट कोस्ट है. सो नाउ ये सर्विलेंस कहाँ करेगा, इसकी सर्विलेंस होगी इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे. नाउ ऑफ इंडिया इट इज नेम्ड आफ्टर पिक्चर्स्क्यू आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप. नाउ इसका जो नेम है, इसका नेम कैसे दिया गया है, गुड मॉर्निंग अतुल यादव, हेलो. नाउ इसका नेम किसके बेसिस पे दिया, अंडमान ग्रुप का जो एक आइलैंड है पिक्चर्स्क्यू आइलैंड, ऐसा आइलैंड जहाँ पे जाके आप अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जहाँ का अमेजिंग सीन है उसके नाम पे इसका नेम दिया गया है. अब इसके फीचर्स क्या क्या है, सी यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस नेम के पीछे इसका नेम दिया गया है. नाउ ये कौन से एरिया में सर्वेलेंस करेगा, ईस्टर्न कोस्ट पे सर्वेलेंस करेगा. नाउ इसके फीचर्स क्या है, द शिप इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन शैलो वाटर. जो डीप वाटर होता है वहाँ पे ये कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. हाई स्पीड रहेगी, इसके एंड इज इक्विप्ड विद एनहांस्ड फायर पावर, अलोंग विद दैट इज अ फायर पावर भी रहेगी. इट इज बिल्ड फॉर एक्सटेंडेड कोस्टल एंड ऑफशोर सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग. अगेन किसके लिए बना है ये, ऑफशोर सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग के लिए भी बना है. इट इज फिटेड विद एडवांस MTU इंजन. नाउ इसके अंदर MTU इंजन को फिट करा गया है. वाटर जेट propulsion and the latest communication equipment. साथ में इसमें latest communication equipments है. Moving towards, good afternoon हर्षित. सी जो क्वेश्चंस आएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपको. अनदर थिंग इज दैट जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए, आपको क्या करना होगा, आपको क्लास के लास्ट तक वेट करना होगा. आपको एक स्लाइड मेंशन होगी, उसके अंदर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं. राइट. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2023. किस पर्सन ने USA मिस इंडिया का जो टाइटल है उस टाइटल को वन करा है. सो व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच वी आर हैविंग, आयुषी कपूर, देन सेकंड इज योर रिजुल मैनी, देन थर्ड इज योर कीर्ति कामरा एंड द थर्ड वन इज योर सलोनी राम मोहन. सो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B विच इज योर रिजुल मैनी. रिजुल मैनी इज योर आंसर. सी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं ये क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मिस इंडिया के बारे में पूछा गया है, इस वे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा. टिल देन आप सबको क्या करें, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी, बट उससे पहले व्हाट यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ओवर हियर सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन की बेस्ट मैनर में हो सके और राइट टाइम पे हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज The United World Wrestling Rising Star of Year 2023. Now, किस पर्सन को कहा नेम करा गया एज यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग राइजिंग स्टार ईयर 2023 के लिए? ऑप्शंस क्या हमारे पास, साक्षी मालिक, निशा दहिया, देन गीतिका जाखर, देन इज अंतिम पंघाल. राइट आंसर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, अगर इमेज आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे इसका क्या है. सो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी विच इज अंतिम पंघाल. अंतिम पंघाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हियर. सी, जो आपको करंट अफेयर देखनी है, नीड नॉट टू फॉलो न्यूज़पेपर. सी, जब भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उससे काफ़ी सारी न्यूज़ होती है, इट्स नॉट कंपलसरी कि सारी ही न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो बेस्ट न्यूज़पेपर दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है. बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हर एक न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है. अगर आप किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर के लिए आप किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करें जो मंथली वाइज हम लोग जो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, दैट आर मोर देन इनफ फॉर यू. क्योंकि जब आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं उसके साथ ही जो डिटेल्स होती है, एक्स्ट्रा डिटेल, इस टाइप की डिटेल्स साथ साथ आपको प्रोवाइड करी जाती है, सो दैट उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे. तो विच मीन्स प्रिपरेशन आपकी यहीं पे हो जाएगी. न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे. अगर मीनिंग आपको नहीं पता है सो एक तो आपका टाइम वेस्टेज है. पूरे न्यूज़पेपर को स्टार्टिंग में, इनिशियल में रीड आउट करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स लग जाएंगे. रीज़न बीइंग इज दैट ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज जस्ट या तो आप 12th क्लियर करा होगा आपने या फिर आप ड्रॉप आउट होंगे. सो काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स होती है जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, सो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा. जो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप इस चैनल को फॉलो कीजिए. चैनल को जब फॉलो करेंगे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर मिल जाएंगी, आपको कहीं और से प्रिपरेशन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी. स्टिल इफ यू वांट टू डू दिस थिंग, जो मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो डेली न्यूज़ है आप उस न्यूज़ को सुन सकते हैं. राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके एज एन स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए जाते हैं डेली बेस पे. 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं एंड 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं, जिन क्वेश्चन में से हम काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द इंडियन स्पेस रिसर्च Organization ISRO is planning to send Indian astronauts to the moon for the first time in which year? Now जो ISRO है वो सबसे पहली बार जो Indian astronauts हैं उन्हें moon पे भेजने की कौन से ये तक plan कर रही है? So options क्या हमारे पास? Option which we are having is year 2030, then 2035, then 2040, then 2047. So जो right answer रहेगा उसका that is your year 2040. ठीक है? So कौन से year तक plan कर रहे हैं? Year 2040 तक प्लान कर रहे हैं. राइट नाउ डिटेल्स देखते हैं, क्या डिटेल्स है हमारे पास. इसरो चेयरमैन, सी जो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ. एस सोमनाथ ने क्या कहा है? प्लान्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट, जो इंडियन एस्ट्रोनॉटों ने कब तक भेजे? टिल 2040 तक इन्हें मून पे भेजेंगे. राइट सो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो गया जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दैट हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो. एस सोमनाथ इज द चेयरमैन ऑफ इसरो. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी? ऐसी कौन सी सिटी है जिस सिटी ने लार्जेस्ट रीडिंग रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शंस क्या है? हैदराबाद, पुणे, न्यू दिल्ली, लखनऊ. अच्छा ठीक है, 3 दिन से एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है 3 दिन से रिपीट हो रहे हैं, 4th डे आज रिपीट हो रहे हैं ऑप्शन. इनमें से 2 सिटी ऐसी है जो सेफेस्ट सिटी निकल के आई हैं, तो मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऐसी 2 सिटीज़ हैं जो सेफेस्ट सिटीज़ हैं और कौन से रैंक पे हैं वो? 3 सिटीज़ हैं अदरवाइज, बट यहाँ पे 2 सिटीज़ के नेम मेंशन है. मुझे ये बताएंगे ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं 2 जो सेफेस्ट सिटी निकल के आई हैं, जल्दी से बताएंगे. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में क्या है? हैदराबाद, पुणे, न्यू दिल्ली और लखनऊ. सो पुणे इज़ द राइट आंसर फॉर इट. नाउ पुणे इज़ द सेकेंड सेफेस्ट सिटी. After that, Hyderabad is your 3rd safest city, and जो कोलकाता है, कोलकाता is the 1st safest city. सी कैसे याद रहेंगे, चीज़ों का जो हम रिपीटिशन करेंगे उस रिपीटिशन से हमें जो चीज़ें वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। जिस वे में यहाँ पे रिपीटिशन हम याद करें सिमिलर वे में रिपीटिशन करने सो दैट आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज योर पुणे ओवर हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टोसाइट टैबलेट्स डेवलप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, जो एक्टोसाइट टैबलेट्स हैं वो किस ट्रीटमेंट को करने के लिए बनी है? ब्लड कैंसर, पेल्विक कैंसर, थ्रोट कैंसर और स्टमक कैंसर। सो जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी विच इज योर पेल्विक कैंसर। पेल्विक कैंसर इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर ओके पेस मिशन इज लॉन्च बाय, पेस मिशन को किसने लॉन्च करा है? So who launched PACE mission? ISRO, ESA, NASA और JAXA। So जो right answer रहेगा यहाँ पे that is your option number C which is your NASA। Moving towards the next detail क्या है अब ये PACE mission? PACE is NASA mission scheduled to launch on earlier than Feb 6, 2024। Now जो 2024 है 2024 में इस mission को launch किया जाएगा on a SpaceX Falcon 9 rocket from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida। So कहाँ से लॉन्च करा जाएगा? इसे फ्लोरिडा से लॉन्च करा जाएगा। कहाँ से? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कब लॉन्च किया जाएगा? ये 2024 में लॉन्च करा जाएगा और फैल्कन एक्स स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च करा जाएगा। पेस मिशन विल कंटिन्यू एंड इम्प्रूव 20 इयर्स रिकॉर्ड ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, और जो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन है जो 20 इयर्स का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ये क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को ये इम्प्रूव करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज योर पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवार्ड रिसिपिएंट। यहाँ पे अवार्ड आएगा AWA यहाँ पे R आ जाएगा। नाउ पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवार्ड रिसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट बिलोंग्स टू। नाउ ये जो अवार्ड है ये अवार्ड किसको मिलेगा? नाउ जिस पर्सन ये अवार्ड मिलेगा ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस क्या हमारे पास? कतर, पैलेस्टीन, बांग्लादेश और इंडिया। सो जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना दैट इज यू हैव आंसर है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है आपको? दैट हु इज द पर्सन फ्रॉम पैलेस्टीन हु विल बी अवॉर्डेड विद इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट बिलोंग्स टू। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? अली अबू इज द राइट आंसर फॉर दिस थिंग। सो यहाँ से भी हमने क्या करे, एक क्वेश्चन को हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। सो ऑप्शंस के हमारे पास कतर, पैलेस्टीन, बांग्लादेश और इंडिया। सो जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज योर Palestine, Palestine right answer रहेगा। Now moving towards the next question which is your recently the Anand Marriage Act has been implemented in Jammu and Kashmir. This act gives स्टैचुटरी रिकॉग्निशन टू। नौ जो आनंद एक्ट है इस आनंद एक्ट को क्या कर, आनंद एक्ट है इस आनंद एक्ट को क्या करा गया, इसे इम्प्लीमेंट करा गया जम्मू एंड कश्मीर में। किस लिए, किस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किस एक्ट को स्टैचुटरी को रिकॉग्नाइजेशन देता है? सो ऑप्शंस क्या हमारे पास? इंटरकास्ट मैरिज के लिए, इंटरफेथ मैरिज के लिए, देन सिख मैरिजेस एंड वेडिंग रिचुअल्स के लिए, या फिर हिंदू मैरिज एंड रिचुअल्स। सो ऑप्शंस को अगर देखें और हम यहाँ पे इमेज को देखें तो हमें ये पता लग रहा होगा किस चीज़ की वैलिडेशन को दे रहे हैं। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ये वैलिडेशन देता है सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स को, राइट। सो अलॉन्ग विद दैट ऑप्शन डिटेल देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल है। द आनंद मैरिज एक्ट वॉज एनेक्टेड 1909। जो आनंद मैरिज एक्ट था इसे कब एनेक्ट करा गया था? 1909 में। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। जिस टाइम में ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इट एम टू एड्रेस कंसर्न रेज बाय सिख कम्युनिटी अबाउट वैलिडिटी ऑफ देयर मैरिज अंडर एग्जिस्टिंग हिंदू मैरिज लॉ। सो इसका कंसर्न क्या है कि जो सिख मैरिज होती है, सिख कम्युनिटी की जो मैरिज होती है, उन्होंने कंसर्न रेज करा था कि हमारी रिचुअल्स जो वेडिंग होती है उस वेडिंग को भी क्या करना चाहिए, उस वेडिंग को वैलिडिटी देनी चाहिए हिंदू मैरिज लॉ के अंडर में। सो आपसे पूछा जा सकता है किस लॉ के अंडर में आएगा, ये हिंदू मैरिज लॉ के अंडर में आएगा। नाउ अनंत मैरिज क्या है? सिख मैरिज है। Act holds significant importance of Sikh community. It is a legislation that specifically governs the marriage ceremony and legal aspects related to Sikh marriage. So ये क्या है? एक ऐसी association है जिसके अंदर क्या देखा जाएगा, जिसके अंदर जो सिख मैरिजेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स को कवर करा जाएगा. द एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन. नाउ इस एक्ट को क्यों एस्टैब्लिश करा गया था? लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए, किसको? प्रोटेक्शन ऑफ टू सिख मैरिज, सिख मैरिजेस को प्रोटेक्शन देने के लिए. अलाउइंग सिख कपल टू सोलमनाइज देयर यूनियन अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कस्टम एंड ट्रेडिशन वाइल इंश्योरिंग मैरिज आर लीगली वैलिड. सो ये क्या कर सकते हैं? ये अपने कस्टम्स एंड रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मैरिज कर सकते हैं और इनकी मैरिज को लीगल कंसिडर करा जाएगा. राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच इज योर हु इज द ट्रेजरर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट. जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, इसके जो ट्रस्ट, इसके जो ट्रेजरर है, उनके ट्रेजरर का क्या नाम है? ऑप्शंस क्या हमारे पास? महंत नृत्य योगपाल दास, देन गोविंद देवागिरी, देन नेक्स्ट इज योर चंपत राय, देन नृपेंद्रा मिश्रा. सो जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ट्रेजरर का, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, विच इज योर गोविंद देवागिरी. सो गोविंद देवागिरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट will set up PM College of Excellence in all district of the state. Now कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जो पीएम कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस को क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएट करेगी. सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास यहाँ पे? एवरीथिंग. उमेर, जो सब्सक्रिप्शन की भी आप बात कर रहे हैं, हमारे 3 पर्टिकुलर बैचेस हैं जो अभी रिलीज हुए, लॉन्च हुए, वो आपको क्लास के लास्ट में मिलेंगे. सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है. एवरीथिंग, जो भी आपके डोमेन्स हैं, आप बस अपनी एक बार स्ट्रीम बता दीजिए, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे. यू नीड नॉट टू वरी. ओके, बस आपको क्लास के लास्ट तक का वेट करना है. उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश. सो जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, विच इज योर मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? हर एक डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, उन्हें इनिशिएट करेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम इज लॉन्च्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया गेम. ऐसा कौन सा गेम है जिस गेम को इंक्लूड करा गया पहली बार खेलो इंडिया गेम में? ऑप्शंस क्या हमारे पास? स्नूकर, स्विमिंग, स्क्वॉश और क्रिकेट. अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं, इस इमेज को देख के आपको पता लग रहा होगा कि कौन से गेम की बात कर रहे हैं. सो राइट आंसर ओवर हियर इज योर स्क्वॉश. स्क्वॉश इज द राइट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, खेलो इंडिया 2024 will be held in. जो खेलो इंडिया 2024 गेम है, वो गेम कहाँ पे हेल्ड होगा? कौन सी इंडियन स्टेट में हेल्ड होगा? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, देन गुजरात और केरला. सो जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज योर तमिलनाडु. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, Which country had deepest lab in the world? कौन सी ऐसी कंट्री है जिस कंट्री की डीपेस्ट लैब है वर्ल्ड में? सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? रशिया, चाइना, यूके और यूएसए. सो ऑप्शन नंबर बी. क्लासेस टिल, ओके, क्लासेस टिल 30 मोर मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाएगी. क्लियर? यू नीड नॉट टू वरी. विद इन 20 टू 30 मिनट्स क्लास विल बी ओवर. ओके, सो कौन सा राइट आंसर है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिस कंट्री की डीपेस्ट लैब है? ऑप्शन नंबर बी, विच इज चाइना. चाइना की डीपेस्ट लैब है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry Nyloom Prize for Education? Now, किस female को prestigious Royal Society of Chemistry's Nyloom प्राइज अवार्ड करा गया है एजुकेशन के लिए? सो ऑप्शंस क्या हमारे पास? सविता लादेक, देन संजीवा प्रसाद, देन राजेश्वरी श्रीधर, देन पुष्पक भट्टाचार्य. सो जो राइट आंसर यहाँ पे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर A, which is Savita Ladeg. Savita Ladeg is the right answer over here. Moving towards the next question now. What is the full form of MSME? See, ये जो question था, this was the last question for your current affair. Now जो question begin हो रहे हैं, they are related to your static GK. अब इन question के answers आपको देने हैं. ये static GK questions भी आते हैं, full form वाले questions भी आएंगे. So जल्दी से बताएंगे जो MSME है, इस MSME की full form क्या है? ओके दैट्स ग्रेट इफ यू आर एंजॉयिंग इट। जल्दी से बताएंगे एमएसएमई के फुल फॉर्म कैसे। करंट अफेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप जनरली आंसर नहीं कर पाते और आप ट्राई करते हैं, लेकिन इनके आंसर आप ट्राई कर सकते हैं। हर्षित डोंट वरी, सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल्स डिटेल में दी जाएगी आपको। ओके सो जल्दी से बताएंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनी स्मॉल एंड मीडियम enterprises, mini small and medium entity, then micro small and medium entity। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू मेंशन द राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। क्या इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हरी अप। हरी अप, डू लेट मी नो द राइट आंसर ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द डे। वेरी नाइस अतुल यादव, ऑप्शन नंबर इज राइट ओवर हियर। शायद नहीं, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शायद नहीं, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सी सेम आंसर, ये आंसर आप सबको आना चाहिए। जल्दी से मुझे इस आंसर का नेम आंसर को बताएंगे। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। ये सबको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रूरल ट्रेनिंग, देन नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रूरल ट्रेनिंग, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहेगा इसका। सी एक बात क्लैरिफाई करती हूँ मैं आपको, आप पहले केयरफुली रीड आउट करेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो ऑप्शन नंबर ई है ना, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। जो ऑप्शन नंबर सी, आप इसे केयरफुली रीड आउट करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एब्रिविएशंस वाले, आपको डिटेल में सारे ऑप्शंस पढ़ने से। यहाँ क्या लिखा है, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन, पहली बार ये एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल है, ठीक है, और रूरल ट्रेनिंग। क्या NCERT सिर्फ और सिर्फ जो रूरल एरिया है, जो गांव के एरिया में, सिर्फ गांव के एरिया में पढ़ाई की पढ़ाई करवाता है, या सिर्फ गांव के एरिया के लिए बुक्स प्रोवाइड कराता है? नहीं, गांव के एरिया के लिए सिर्फ बुक्स नहीं प्रोवाइड करवाता है ये। तो हमारे जो आंसर है ये आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ रूरल है, तो इस आंसर को हम एलिमिनेट कर देंगे। सिमिलर वे में अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में भी रूरल लिखा हुआ है, राइट। तो अगर रूरल लिखा हुआ है तो ये भी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना। फिर जो ऑप्शन नंबर ए एंड डी है, इसे ध्यान से देखें क्या डिफरेंस है इसमें। नेशनल नेशनल सेम है, काउंसिल अलग है और करिकुलम अलग है। ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पूरी चीज है, ठीक है। Actually your name is mentioned over here as Atul Yadav, that's why I'm calling you Atul Yadav again and again, sorry for that thing. From now onward I'll be calling you, referring you as Shweta only, okay Shweta। नमस्ते सिग्मा रूल बॉय, जय श्री राम जी, सीताराम नाम हनुमान जी। ओके सो अब आंसर देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमें केयरफुली सारे के सारे ऑप्शन को रीड आउट करना है, फिर आंसर देना है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONGC? ONGC की फुल फॉर्म क्या है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस काउंसिल, ऑयल एंड नाइट्रोजन गैस काउंसिल, ऑयल एंड नाइट्रोजन गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। जल्दी से बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। हरी अप, क्योंकि ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी से बताएंगे which one is right, option number A, B, C or D? Very nice, Sigma Rule Boy ने correct answer दिया है बिल्कुल, which is your option number D is the correct answer. No Shweta, option number D is correct, ठीक है, which is your national oil and natural gas corporation. See यहाँ पे क्या दिया हुआ है, oil and natural gas council। Allow me a moment please. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। डी कैसे होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस काउंसिल लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सो ये क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस काउंसिल नहीं है, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ओवर हियर व्हिच इज अ कॉर्पोरेशन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ? पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ये काफी सारे बच्चों ने पीपीएफ के बारे में सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फाउंडेशन, देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन इज अ प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, देन इज अ प्राइवेट प्रोविडेंट फाउंडेशन। सबसे पहले आपको कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है? जो क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकते हैं ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करेंगे। उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद आप जो राइट आंसर की तरफ जाएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फाउंडेशन, पब्लिक प्रोविडेंट फाउंडेशन, प्राइवेट। सी सबसे पहली बात प्राइवेट आया, प्राइवेट का ये कुछ नहीं है, है ये पब्लिक का ही। सो जो प्राइवेट वाले ऑप्शन है हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी इज योर एलिमिनेटेड ओवर हियर। दो ऑप्शन बचे, पब्लिक प्रोविडेंट फाउंडेशन या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो ऑप्शन नंबर बी विच इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज राइट आंसर ओवर हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरआई। जो एनआरआई है, एनआरआई की फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडिंग इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडिया। सी देखिए यहाँ दोनों में इंडियन आ रहा है, यहाँ पे इंडिया आ रहा है, यहाँ पे ये गलत एक चीज अलग कर दी, नॉन रिजाइडिंग इंडिया, तो यहाँ पे ये चीज अलग कर दी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। दो ऑप्शंस बचे, नॉन रिजाइडिंग इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। जल्दी से बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर। हरी अप, टिल देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा रूल बॉय ने सही आंसर दिया है विच इज योर नॉन रेजिडेंट इंडियन। रिजाइडिंग नहीं, रेजिडेंट। रिजाइडिंग मीन्स रहना, रेजिडेंट मीन्स पर्सन उस जगह का। सो ऑप्शन नंबर बी विच इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन इज द राइट आंसर ओवर हियर। हर्षित ऑप्शन नंबर इज नॉट करेक्ट, दैट्स ओके। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता और आपको सिर्फ कोई एक सिंगल हिंट भी है ना, आप एलिमिनेशन के ऑप्शन से जाएंगे। पहले आप चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे जो ऑप्शन नहीं है, और जो राइट आंसर है फिर उसके लिए आपके पास एक या दो ऑप्शन बचेंगे जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the full form of NHAI? NHAI की full form क्या है? National Norway Highways Authority of India, National Highways Association of Iraq, then National Highways Authority of India, then National Highway Association of India. हरी अब डू लेट मी नो। नाउ हर्षद ने करेक्ट आंसर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्वे हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इराक, देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएंगे। सी जो हर एक क्वेश्चन होते हैं ना उससे ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शन में ना कुछ छुपा होता है, हमें ऑप्शंस को देखना होता है कि ऑप्शंस क्या है हमारे पास। देखो यहाँ सब में लास्ट में अगर देखेंगे तो क्या है? इंडिया, देन इंडिया, देन इंडिया। एक ऑप्शन है जिसमें इराक है, ठीक है। सो विच मीन्स ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इराक और रुक वाला कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तीन ऑप्शंस बचे, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नॉर्वे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ नेशनल, यहाँ नेशनल, यहाँ नेशनल, विच मीन्स यहाँ नॉर्वे है तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट, बी भी एलिमिनेट। दो ऑप्शन बचे हमारे पास विच इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों में से आपको करेक्ट आंसर को बताना है। सो जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दैट इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ओवर हियर। नो नो, किसी का करेक्ट आंसर नहीं है फॉर दिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी यहाँ पे एसोसिएशन लिखा हुआ है, ये एसोसिएशन नहीं है, ये अथॉरिटी है। सो इट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ओवर हियर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर मोस्ट ऑफ द जूट मिल लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा जो जूट मिल्स हैं वो जूट मिल्स कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? जल्दी से ऑप्शन देखेंगे एंड करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। हरी अब, सिग्मा रूल बॉय, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शंस क्या है हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, देन इज वेस्ट बंगाल, देन इज योर बिहार, देन इज योर उत्तर प्रदेश। सो जल्दी से बताएंगे ऐसे कौन सा रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम जूट मिल्स अवेलेबल है? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश. हरी अब डू लेट मी नो विच वन इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर. छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश. हरी अब जल्दी से बताएंगे. रोहित पाल, वेरी नाइस आंसर ऑप्शन नंबर बी जो रोहित पाल ने दिया. वेरी गुड, ग्रेट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड. इंडिया की जो सबसे पहली यूरेनियम माइन थी वो कहाँ पे लोकेट करी गई थी. ऑप्शंस क्या हमारे पास, जादूगुडा, देन तुमल्लापाले, देन पिछली और धलभूमा. क्या है राइट आंसर. ऑप्शंस आई एम रीडिंग फॉर यू अगेन वंस अगेन. काफी फैंसीफुल नेम्स हैं यहाँ पे. नाउ जादूगुडा, सेकंड इज योर तुमल्लापाले, then next is your pichli, then the next one is your dhalbhum. Which one is right answer over here? So right answer over here is your option number A, which is your Jaduguda. ये जो place है Jaduguda, ये place कहाँ located है? In Jharkhand. In Jharkhand, right? So which means हमें कैसे पता लगा, हमने ये देखा, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं. काफी fanciful name है, जादू के नेम से है. ऋतिक रोशन की मूवी आई थी उसमें जादू था, उस जादू से आप याद कर सकते हैं. जे फॉर जादू एंड जे फॉर झारखंड, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार. इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है. हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए मैप को देखेंगे, मैप को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. ऑप्शंस क्या, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, असम. सो हम ऑप्शंस को भी साथ लेके चलेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, No, I'm not able to zoom it. ठीक है, केयरफुली देखेंगे. यहाँ पे ये म्यांमार है, ठीक है. अब पहले ये स्टेट्स देख लीजिए, ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जो म्यांमार से बॉर्डर को शेयर कर रही है, ठीक है. पहले क्या है, सी देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं है. यहाँ से आप ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो शेयर कर रहे हैं ना बॉर्डर. ये अरुणाचल प्रदेश आ गई, ये म्यांमार हो गया. अरुणाचल प्रदेश इज शेयरिंग द बॉर्डर, नागालैंड इज शेयरिंग द बॉर्डर, देन मणिपुर इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर, देन आपकी मिजोरम होगी, मिजोरम भी शेयर कर रही है. तो ऐसी कौन सी जगह जो शेयर नहीं कर रही है, हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना है. सी ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में यहाँ पे त्रिपुरा नहीं है, ठीक है. सो त्रिपुरा है, त्रिपुरा अगर ऑप्शन में होता तो त्रिपुरा राइट आंसर हो जाता, बट त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं है. तो ऐसे कौन कौन से हम देखें, कौन कौन स्टेट जो नहीं कर रही बॉर्डर शेयर. एक तो असम होगी, दूसरी मेघालय होगी, तीसरी त्रिपुरा होगी. अब हमारे पास ऑप्शन में ना ही मेघालय है ना ही त्रिपुरा है. ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ऑप्शन में वी डू हैव असम. सो असम इज द राइट आंसर ओवर हियर. क्लियर, असम इज नॉट शेयरिंग द बॉर्डर विद म्यांमार. क्लियर, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस 60% ऑफ सॉल्ट. नाउ ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट आप किसे याद करेंगे, गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था, राइट गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था साबरमती आश्रम से लेकर हुआ था, कहाँ तक हुआ था और किस प्लेस में हुआ था. तो उसका ये राइट आंसर है. उसके हिंट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं जो मैक्सिमम सॉल्ट की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है इंडिया में, 60%. ये ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश. अच्छा, अगर लॉजिकल थिंकिंग की तरफ से करें ना, अगर हम राजस्थान को देखें, क्या राजस्थान में हमारे आसपास कोई बहुत बड़ी नदी या नहर है, कुछ बहुत बड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राजस्थान नहीं हो सकता. क्या बिहार, बिहार भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कवर्ड है, ये नहीं हो सकता. मध्य प्रदेश भी नहीं हो सकता. जो गुजरात है, गुजरात इज नियर द कोस्टल रीजन. सो ऑप्शन नंबर सी विच इज गुजरात एज सेड बाय रोहित पाल एंड श्वेता इज द राइट आंसर ओवर हियर. वेरी नाइस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे विच इज योर Which of the following river has tributary Arun? ऐसा कौन सा river है जिसकी tributary Arun है. Now टीस्टा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, काली. नाउ ये जितने भी अगर आप रिवर की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिवर कौन से है, सारी नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, नॉर्थ इंडियन रिवर. इनमें से ऐसी कोई भी रिवर नहीं है जो रिवर साउथ इंडियन रीजन की हो. ऑल द रिवर्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन रीजन. ना ऑप्शंस क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज योर टीस्टा, देन इज योर ब्रह्मपुत्र, देन इज योर काली, कोसी, देन इज योर काली. सो जो अरुण रिवर है, अरुण रिवर, रिवर कोसी की ट्रिब्यूटरी है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ओवर हियर विच इज योर कोसी. वेरी नाइस सिग्मा रूल बॉय, करेक्ट आंसर दिया आपने. Now moving towards the next question, which among the following is the smallest district of India? इनमें से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा है? अलापुजा, then Dausa, then Mahé, then Tirap. Which one is the correct over here? Hurry up, do let me know. Alapuza, then Dausa, then Mahé, then is the Tirap. Which one is correct? Option number A, B, C or D. Hurry up, do let me know. Okay, that's okay if you don't know. Doesn't matter if you don't know. I'm here to tell you everything. सी जो राइट आंसर रहेगा इसका दैट इज योर माहे. ठीक है, बट माहे की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जरूरी है आपके लिए जानने के लिए, माहे के स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का. अगर हम जोग्राफिकली बात करें, जोग्राफिकली ये केरला में फॉल होता है, बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्सपेक्टिव से ये कहाँ फॉल होता है? इट फॉल्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. क्लियर? अर्लियर इट वॉज नोन एज पौंडीचेरी, बट करेंटली हम इसे पुडुचेरी कहते हैं. ठीक है, पौंडीचेरी हम इसे पहले कहते थे, बट नाउ द करंट नेम इज योर पुडुचेरी. ओके, पुडुचेरी इज अ करंट नेम. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज रेफर्ड टू एज द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया? ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जिस हिल स्टेशन को हम कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज योर रानी, सेकेंड इज योर मुन्नार, देन इज योर पंचली मेदू, देन इज योर Sudelu. So options I am reading for you again. Rajasthani for which thing? I am not getting Rajasthani. आप किस चीज़ का कह रहे हैं? Okay. So options क्या हमारे? Rani, then is your Munnar, then is Panchali Medu, then is your Sudelu. Which one is the right answer over here? Option number B, which is a Munnar. Munnar is the right answer for this question. Moving towards the next question for the day, which is your okay. Munnar Hill Station referred to as the Kashmir of South India. Now ये कौन से district में fall होता है? Now ये Idukki district में fall होता है, along with that Kerala के state में आता है, right? So ये हमारे यहाँ से दो और question extract हो गए. Now moving towards the next question, which is your ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली रोहतांग पास कनेक्ट्स? कौन सी वैली से रोहतांग पास कनेक्ट होता है? इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगी. ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा, काली एंड होली, देन कुलू एंड स्पीति, देन झेलम एंड रावी. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तब भी हमें इजीली पता लग जाएगा, अदरवाइज देखें तब भी हमें इसका आंसर पता लग जाएगा. सो जल्दी से बताएंगे विच वन इज राइट ओवर हियर. ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी. ए क्या है? भागीरथी एंड अलकनंदा, then Kali and Holi, then Kulu and Spiti, then Jhelum and Ravi. Hurry up, do let me know which one is the right answer over here. जल्दी से बताएंगे comment section में option number A, B, C और D. Which one is right over here? I'm waiting for you people to comment over here. जल्दी से correct answer बताएंगे. Hurry up. No. Option number A is not correct over here. See, अच्छा एक डिटेल बता दूं यहाँ पे, जहाँ पे रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मिलती है उस पॉइंट को हम देवप्रयाग कहते हैं. ठीक है, द पॉइंट एट विच भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स, दैट पॉइंट इज नोन एज देवप्रयाग. ये दोनों रिवर जब मर्ज हो जाती है, मर्ज होके जब ये रिवर हरिद्वार में पहुंचती है, हरिद्वार, at that point of time this river is known as Holy River Ganga. Okay, उस पॉइंट पे हम इस होली रिवर को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज गंगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है झेलम एंड रावी. झेलम एंड रावी जो रिवर इंडस है, रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम एंड रावी. अगर मैं इंडस की बात करूँ, रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लुक ओवर हियर. यस, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओवर हियर. अब ये देखते हैं कि जो रिवर इंडस है, रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है. नाउ लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ ये कुछ ऐसा इंडिया का नॉर्थ इंडियन साइड का मैप है. Okay, no, Rajasthan is not the correct answer for that question, but that's great. अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते रहिए आप लोग और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हर्षित. वेरी नाइस, ट्राई करिए. चाहे गलत हो डजेंट मैटर, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं बट एग्जाम में नहीं. एग्जाम में मिस्टेक ना हो इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे चाइना है. नाउ चाइना का जो ऑक्यूपाइड रीजन है दैट इज तिब्बत. तिब्बत में मानसरोवर से, यहाँ तिब्बत में मानसरोवर से ऑरिजिनेट होती है रिवर इंडस. और रिवर इंडस कहाँ फॉल होते हैं? नीचे अरेबियन सी में जाके. इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है झेलम, रावी, देन ब्यास, देन चेनाब, देन सतलुज. क्लियर. नाउ जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर सतलुज को हम सतलज भी कहते हैं, सतलुज भी कहते हैं. इस रिवर के अंदर में अभी एक रेयर एलिमेंट मिला था जिस रेयर एलिमेंट का नाम था टैंटलम. टैंटलम. इस वे में हम चीजों को कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट करने से हमें क्या पता चलेगा? जब हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो और क्वेश्चंस है वो भी रिजॉल्व होंगे और हमारी जो नॉलेज है वो भी एनहांस होगी. राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गंगा रिवर एंटर्स प्लेन एरिया फ्रॉम द हिल्स. अच्छा, अभी मैंने पीछे यहाँ पे जो डिटेल बताई है आपको कि जो भागीरथी अलकनंदा जहाँ पे मीट होते हैं उस रीजन को हम देवप्रयाग कहते हैं. और देवप्रयाग कहाँ पे है? देवप्रयाग ऋषिकेश से आगे है, ऋषिकेश से आगे है. अब वो सारा रीजन कैसे है? वो सारा का सारा रीजन माउंटेनियस रीजन है. राइट. नाउ दे आर आस्किंग कि जो रिवर गंगा है वो प्लेन एरिया में कहाँ से एंटर होती है? हिल्स पार करने के बाद. कि जो रिवर गंगा है, रिवर गंगा ने जो पहाड़ियाँ हैं पहाड़ियाँ पार करी, पहाड़ियाँ पार करने के बाद प्लेन रीजन में आएगी. तो वो कौन सा प्लेन रीजन है जहाँ पे रिवर गंगा आएगी? सी, यहाँ पे आपको बताया था वो कौन सा प्लेन रीजन है जहाँ पे रिवर गंगा पहुँचेगी हिल्स के बाद. सो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे. इलाहाबाद, रायपुर, पटना और हरिद्वार. Which one is correct? हो गया इलाहाबाद, रायपुर, पटना और हरिद्वार. ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी. जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे. हरी अप. वेरी नाइस सिग्मा रूल बॉय. हरिद्वार इज द राइट आंसर ओवर हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे व्हिच इज योर. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन हैज लोकल नेम सोहरा. ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जिसका लोकल नेम क्या है? सोहरा. वेरी नाइस श्वेता. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी डियर. पटना नहीं, हरिद्वार. हरिद्वार इज द राइट आंसर. सी, यहाँ पे मेंशन करा था ना, देखिए कि देवप्रयाग यहाँ पे तो ये हिली एरिया है, इसके बाद ये कहाँ जाती है? ऋषिकेश जाती है. हिली उसके बाद ये हरिद्वार जो रीजन है, हरिद्वार कैसा रीजन है? प्लेन एरिया का रीजन है जहाँ पे ये एंटर करती है रिवर गंगा. ओके, दैट्स ओके. हरिद्वार इज द राइट आंसर. बस चीज़ों को केयरफुली देखिए आप थोड़ा. नाउ यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जिसका लोकल नेम सोहरा है? जल्दी से बताएंगे. ऑप्शंस क्या हमारे पास? पचमारही, देन नेक्स्ट ऑप्शन चेरापूंजी, देन इज योर मोलेनोंग, देन इज योर शिलोंग. विच वन इज राइट आंसर? वे वेरी नाइस. चेरापूंजी करेक्ट आंसर दिया है. किसने? सिग्मा रूल बॉय ने. बट चेरापूंजी के बारे में एक और चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेघालय है, मेघालय रीजन में ऐसी दो प्लेसेस है जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है. जो सबसे पहली प्लेस है मेघालय में जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है दैट इज मोइसेनराम. मोइसेनराम इज ऑन द फर्स्ट नंबर. नाउ जो मोइसेनराम से रिलेटेड करंट अफेयर की न्यूज थी, मेघालय की करंट अफेयर की न्यूज, वो हमने न्यूज की थी करंट अफेयर की क्लासेस में 3-4 दिन पहले की. उसमें ये था दैट वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्कीम, उस स्कीम को इनोग्रेट करें मेघालय की गवर्नमेंट ने. आई गेस वाटर किट, स्मार्ट वाटर किट. यस, स्मार्ट वाटर किट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर. स्मार्ट वाटर किट, स्मार्ट वाटर किट स्कीम को इनोग्रेट करें मेघालय की गवर्नमेंट के ने. किस लिए? कि वो जो किस लिए करें इनोग्रेट? इसलिए इनोग्रेट करें कि जो वाटर कंजर्वेशन है, वाटर कैसे सेव करना है, वाटर कैसे कंजर्व करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को इस स्कीम के अंडर में देखा जाएगा. नाउ ये स्कीम का इनोग्रेट है मेघालय में. नाउ मेघालय में जो मोइसेनराम है इज अ प्लेस जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होते हैं फर्स्ट नंबर पे. और जो सेकेंड नंबर पे जिस प्लेस पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है दैट इज योर चेरापूंजी. सो चेरापूंजी फॉल्स ऑन द सेकेंड नंबर. इस क्वेश्चन से काफी सारी डिटेल्स निकाल दी है, इसको आपको अच्छे से करना है. क्लियर? सारे तुक्के नहीं मारने हैं, जो डिटेल्स, उन डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान देना है. ओके, डिटेल्स पे भी ध्यान दीजिए आप लोग. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ सॉइल. जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो रेड कलर आता है, वो रेड कलर किस वजह से आता है. एल्यूमिनियम कंपाउंड की वजह से, आयरन कंपाउंड की वजह से, मर्क्यूरी कंपाउंड की वजह से, या फिर क्ले की वजह से. सी, यहाँ पे क्ले तो खुद में ही मिट्टी है. सो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया. तीन ऑप्शन बचे हमारे पास यहाँ पे, एल्यूमिनियम कंपाउंड, आयरन कंपाउंड एंड मर्क्यूरी कंपाउंड. अच्छा मुझे एक चीज़ बताएंगे, कोई चीज़ है लोहे की, वो लोहे की चीज़ पे पानी गिर जाए तो कैसे रेड रेड हो जाती है, उसमें जंग आ जाता है, जंगाल आ जाता है. अब ये हिंट दे दिया मैंने आपको, इस हिंट से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा. एल्यूमिनियम, आयरन और मर्क्यूरी. हरी अप, विच वन इज द राइट आंसर ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. टेल मी विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हरी अप. सी, जो आयरन कंटेंट है, आयरन कंपाउंड की वजह से जो सॉइल है, सॉइल का कलर रेड रहता है. बेसिकली क्लास 9 में आएगा से टॉपिक सॉइल टॉपिक. जिस टॉपिक में रेड सॉइल के बारे में, जो रेड सॉइल होता है वो पहले येलो इन कलर रहता है, बट जैसे ही उसके अंदर वाटर पड़ता है उसका कलर रेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल के अंदर आयरन का कंटेंट है. सो ऑप्शन नंबर बी, आयरन कंपाउंड इज राइट ओवर हियर. Now moving towards the next question, which of the following state of India has potential for solar energy? India की ऐसी कौन सी state है जिसमें potential है solar energy का. Solar energy means the energy which we can extract from the sun rays, right? Now option क्या options है, इन options के according आप मुझे बताएंगे इसका correct answer क्या रहेगा. Option number A which is West Bengal, B Bihar, C Punjab and D is your Rajasthan. Do let me know which is the right answer over here. हरी अब डू लेट मी नो, कौन सी ऐसी स्टेट है जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल है किसके लिए, सोलर एनर्जी को क्रिएट करने का. डू लेट मी नो, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी. वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब और राजस्थान. हरी अब जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में. वेरी नाइस आरजे रमेश, राजस्थान इज द राइट आंसर ओवर हियर. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा लार्जेस्ट शिपयार्ड है इंडिया का. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, देन इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देन इज द पारादीप पोर्ट, देन इज द कांधला पोर्ट. विच वन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जल्दी से बताएंगे. हरी अप, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वन, ए, बी, सी और डी. सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी नाइस करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग. ऐसी कौन सी प्लेस है जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए फेमस है. सांची, भीमबेटका, अमरावती और नन ऑफ द गिवन. हरी अप, सांची, भीमबेटका, अमरावती. सी, जो सांची है, जो अमरावती है, सांची एंड अमरावती में आपको बुद्धिस्ट स्टूपास मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको बुद्धिस्ट स्टूपा मिलेंगे. नाउ जो भीमबेटका है, भीमबेटका इज अ साइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन. भीमबेटका जो साइट है वो कहाँ से साइट है, दैट इज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. यस, प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रोहित पाल, श्वेता एंड सिग्मा रूल बॉय सबने करेक्ट बताया, वेरी नाइस. नाउ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज योर भीमबेटका, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ओके. सो दिस वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन. उससे पहले ये देखिए जो भीमबेटका है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की यहाँ पे पिक्चर्स की इमेजेस बनाई गई है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उस टाइम की इमेजेस यहाँ पे मैंशन है. ओके, जिनके कलर अभी तक फेड भी नहीं हुए, जस्ट बिकॉज ये नेचुरल कलर्स का यूज़ करते थे. द कलर्स दैट आर मेड फ्रॉम द फ्लावर्स और द ग्रेन्स और राइस और सम सो काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ सो दैट दिस वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फॉर स्टैटिक जी के, और कुछ करंट अफेयर के भी इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए. नाउ सीबीएसई के सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, आपके सीयूटी की डेट शीट भी आ गई है। सो आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए लर्न करो, अपने रैंकर्स बैच को लॉन्च कर रहे हैं जो तीनों ही स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स स्ट्रीम में एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में। नाउ जो साइंस स्ट्रीम का बैच है ये पूरा आपको क्रैश कोर्स मिलेगा जिसके अंदर तीनों सेक्शन होंगे। कौन कौन सा? सेक्शन 1 इंग्लिश एंड हिंदी, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, ये दोनों सेक्शन हर एक स्ट्रीम में कॉमन रहेंगे। एंड जो मेजर डोमेन, साइंस डोमेन है, मेजर डोमेन में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलोंग विद दैट अर्लियर ये जो बैच था दिस वाज फॉर ₹10,000 बट एज ऑफ नाउ इसे 50% डिस्काउंटेड रेट पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा जा रहा है फॉर ₹4,999। सो इफ आपको कोई भी डाउट है या आपको अपने आपको एनरोल करवाने के लिए, अपने आपको रजिस्टर करवाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, राइट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हम अपने आप को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं बैचेस में। सो इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं बैचेस में। Now this was the batch for science stream. Now science stream के साथ humanities stream का भी batch है जिसका crash course है। humanities stream का जो batch है that will be taken by me only, सारे humanities stream के subjects। Now यहाँ पे सेक्शन 1 में आपको हिंदी इंग्लिश मिलेगा, ऑब्वियसली सेक्शन 3 इज कॉमन। जो सेकेंड सेक्शन है आपका दैट इज ह्यूमैनिटीज डोमेन जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी प्रोवाइड करा जाएगा। नाउ अगेन दिस बैच इज ऑल्सो विद अ हेवी डिस्काउंट, द डिस्काउंट फॉर ₹50% अप्रोक्सीमेटली आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। अर्लियरली दिस बैच फॉर ₹10,000 बट एज ऑफ नाउ दिस बैच इज फॉर ₹4,999 ओनली। नाउ इस हैवी डिस्काउंट को अवेल करने के लिए जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवाइए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। नाउ अलोंग विद दिस, नाउ जो कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम का भी क्रैश कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रैंकर्स बैच के अंडर में, जिसमें अगेन जो दो कॉमन सेक्शन रहेंगे दैट इज योर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज अ जनरल टेस्ट। नाउ आफ्टर इट अलोंग विद इट सेक्शन 1 एंड 3 आपके कॉमन रहेंगे। सेक्शन 2 जो आपका रहेगा वो कॉमर्स डोमेन का है जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगेन दिस बैच इज ऑल्सो फॉर ₹4,999। प्रीवियसली इसका अमाउंट था ₹10,000। सो अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, अपनी CUET की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए जल्दी से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। नाउ अलोंग विद दैट वी डू हैव एन टेलीग्राम चैनल विद द नेम CUET बाय गोकुल छाबड़ा जिसका सब्सक्राइबर 54,872 है, जहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है रिगार्डिंग द बैचेस एंड फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग अदर थिंग्स। Now along with it we do have an application जिसका नाम है लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप, जो ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। Now इस ऐप पे आपको फ्री बैचेस भी मिलते हैं, पेड बैचेस भी मिलते हैं। So अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवाएं। And thanks for watching everyone. Now tomorrow again we are going to meet over here only at the same point of time with another series of current affairs strategy. So that is all for today. Thanks everyone for watching. Bye bye. Take care. Bye everyone.